हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए वीडियोस में। फ्रेंड्स, अभी हम हैं सुपौल जिला के पिपरा बाजार पर। पिपरा बाजार में खासियत है कि यहाँ का जो खाजा होता है ना, बहुत नामी होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगा कि खाजा कैसे बनता है, और यहाँ के जो ओनर है उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कैसे, क्या प्रोसेस है उसका, रेट कैसा है। उसके बाद यहाँ पर आप पिपरा बाजार पहुँचिएगा कैसे, ये सारी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और भाई का चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, और पूरा वीडियो आप लोग लास्ट में देखिए, फिर आप लोग जज करिएगा, फिर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो देखने में कैसा लगा। और आप लोग यहाँ पर जरूर एक बार आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दुकान को ढूंढ के आया हूँ, स्पेशल दुकान पर आया हूँ। ऐसा नहीं कि किसी पर चला गया हूँ। ये दुकान जो है पिपरा बाजार में सबसे पुराना दुकान है, और इस दुकान का नाम है पुस्तैनी शिमला मिष्ठान भंडार। तो ये दुकान है, नाम भी देखिए कितना यूनिक है, पुस्तैनी शिमला मिष्ठान भंडार। और ये लोग बहुत दो तीन पीढ़ी से यही काम करते हैं, खाजा बनाने का ही काम करते हैं। और यहाँ का खाजा ना मतलब स्पेशल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सूखा तैयार है खाजा, बन के रेडी रखा रहता है, और जब ग्राहक आते उसको फ्रेश करके यहाँ पे बोर में डाल करके दिया जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ भी बन के रखा हुआ है, और देखिए शीशा में पैक है, ऐसा नहीं है कि यूं ही बाहर में छोड़ दिया गया है, शीशा के अंदर में रखा हुआ है स्पेशल। तो देख सकते हैं आप खाजा का खूबसूरती देख लीजिए, और देखिए कितना एकदम फाउंडेशन है इसमें अंदर में, तो आप देख लीजिए। तो ये अभी होगा, फिर हम लोग भी पैक कराएंगे अभी, और पूरा रस में डुबो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। बाहर निकाल रहे हैं, और इस पर रखने के बाद जब, और इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं यहाँ पर, फिर उसको वहाँ पर रखते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस, और देखिए कितना एकदम खूबसूरत है। और अभी हम टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसा स्वाद है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। अभी पूरा एकदम रस नीचे गिर जाएगा उसी में, फिर पैकिंग होगा। ये नहीं कि पूरा रस में बोर के दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश सा। हाँ, ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? बहुत दिनों से, 40 साल से ऊपर से। तो आपका दुकान का जो नाम है पुस्तैनी शिमला मिष्ठान भंडार, वो बहुत स्पेशल नाम है। तो क्या सोच के रखे थे ऐसा नाम? कोई मनुष्य ऐसा सोच के रखे, हमारे बाबूजी रखे। अच्छा। और मतलब कोई भी जगह स्पेशल होता है जगह के नाम से। इन लोगों का काफी सालों से मतलब यही काम है। तो ये खाजा जो आप बनाते हैं स्पेशल क्यों है? पिपरा बाजार का खाजा नामी क्यों है, ये थोड़ा सा आप लोग बताइए मेरे दर्शकों को। स्पेशल है कि दूसरे स्टेट में ये खाजा दूसरा कारीगर नहीं बना सकता है। इसका जो है नियम है बनाने का, जो रूप ले लेता है खाजा का, लोग बहुत लोग सोचते हैं कैसे बनता है नहीं बनता है। तो ये फार्मूला जैसे होता है, कोई भी सामान का, कोई भी कुछ हो जो होता है उसका फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला इसका नामी है। बात तो है। फार्मूला नामी है, उस फार्मूला यहाँ पर सब एनीबडी यहाँ पिपरा बाजार के जो भी हैं कारीगर के बाल बच्चे, वो भी कारीगर हो गए, देखा देखी सब कारीगर हो गए। अब मतलब जो बनाने का प्रक्रिया है वही नामी। खाजा का बनावट है, स्वाद में भी गड़बड़ नहीं है, ना दाम का फिक्र है, ना ज्यादा है ना कम है, और सभी लोग संदेश के आधार पर ये खाजा पसंद करते हैं। आप ही लोग सबसे पहले पिपरा बाजार बना रहे हैं मतलब, है ना? हाँ, पहले मेरे दादा परदादा 3-4 फुट से यही दुकान है। अच्छा। इसका रेट क्या सब है, मतलब रिफाइन वाला भी बताइए, और घी वाला भी जो है वो भी बताइए। रिफाइन वाला अभी 140, अभी वर्तमान में 140, डिस्काउंट के आधार पर 120 में भी चलता है। अच्छा। और शुद्ध घी वाला 320, 350, और डिस्काउंट के आधार पर 300 के जी। अच्छा। 300 में भी चलता है, 300 रुपये के जी। अच्छा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना सारा। तो ये यहाँ पर पिपरा बाजार आने के लिए जैसे कोई आएगा तो कैसे आएगा? कैसे आएगा, जैसे सुपौल से आएगा या कहीं से भी आएगा, तो मेन रोड से किधर कैसे रास्ता आएगा, कितना दूर है हमारे वहाँ से? सुपौल से पिपरा बाजार 21 किलोमीटर है। हाँ। इधर मेन रोड सिमराही से भी 19 किलोमीटर है। इधर से कोई अगर आएगा मधेपुरा बोल रहे ना, से 27 किलोमीटर इधर है। मतलब जो है कि ये तीनबटिया रास्ता हो गया, और इधर सिमराही से इधर हम लोग आए हैं। और देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, और बीच में ही मंदिर है, वहाँ देखिए ऊपर में लिखा है बम भोला मार्केट, दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स। अब बस इधर आइएगा, बस यहाँ देखिए दुकान आ गई। बताइए कौन सा कौन है? ये
खाइए आप रिफाइंड वाला। रिफाइंड वाला पहले खाते हैं भैया के बातों पर और देखते हैं कैसे है। वाला भाई बहुत बढ़िया है, क्रंची है और मिठास भी बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये खाने में। अभी घी वाला भी ट्राई करता हुआ, अभी ये घी वाला है, देखते हैं कैसा है। वाला भी बहुत बढ़िया स्वाद है और करंजी दोनों में सेम है और फ्लेवर जो है जैसे घी का स्वाद, एकदम प्योर घी का स्वाद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भी इतना दिन से खा रहे हैं तो पता चलता ही है, तो रियली में अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप लोग आके जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ से पैकिंग तो बहुत होता है क्योंकि एरिया है आने जाने का ना, तो लोग बहुत ज़्यादा पैकिंग कराते हैं, सिर्फ खाजा के लिए गाड़ी रुकती है। पैकिंग करा ली है और ले जाएंगे गाँव ले जाएंगे। और देखिए दिख रहा है तो हमने 1 किलो पैक करा लिए घी वाला, बहुत अच्छा लगा खाने में, सबसे अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।